हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ चना चाट। इसके लिए चाहिए 2 कटी हुई प्याज, 3 कच्चा मिर्ची, 2 कटी हुई टमाटर, थोड़ा धनिया पत्ता, 1 नींबू, थोड़ा ऑयल, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा हल्दी पाउडर और चने को लीजिए। चने को 3 घंटे पहले भिगा कर रख लीजिए। उसके बाद कुकर में थोड़ा मसाला डालकर 3 विजिल आने तक रख लीजिए। उसके बाद एक बाउल में लीजिए और उसमें थोड़ा नमक डालकर मिलाकर रख लीजिए। अब बनाना शुरू करेंगे। इससे पहले कि मेरा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल बटन को भी दबाइए, इससे कि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आपको पहले ही पहुंच जाएगा। चने को ऐसा पानी में 3 घंटे भिगा कर रख लीजिए। इसे अच्छे से धोकर कुकर में डालकर 3 विजल आने तक पका लीजिए। इसके अंदर थोड़ा सा मसाला और थोड़ा पानी डालकर 3 या 4 विजल आए तक पकने दीजिए। ऐसा 3 विजल आने के बाद स्टोव को ऑफ कर लीजिए, थोड़ा देर ठंडा होने दीजिए। थोड़ा ठंडा होने के बाद पका है कि नहीं कि देखेंगे। पक गया है। अब इसे एक बाउल में डालकर साइड रख लीजिए। पहले स्टोव जलाते हैं, इसके ऊपर एक पानी को रखते हैं। ये गर्म होने के बाद इसके अंदर ऑयल को डालते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर प्याज को डालते हैं। इसे थोड़ा देर फ्राई होने दीजिए। इसके अंदर कच्चा मिर्ची को डालिए। थोड़ा फ्राई होने दीजिए। प्याज फ्राई होने के बाद इसके अंदर टमाटर को डालते हैं। इसके अंदर टमाटर को डालकर थोड़ा देर पकने दीजिए। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालिए। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर को डाल लीजिए।
इसे अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद इसके अंदर धनिया पत्ता को डालिए। अब उसके अंदर इस छोले को डालते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और इसके अंदर नींबू का रस को डालते हैं। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद ढक्कन रखकर थोड़ी देर पकने दीजिए। इसके अंदर पानी पूरा सूखने तक थोड़ा देर ढक्कन रखकर पकने दीजिए। ऐसे पकने के बाद स्टोव ऑफ कर लीजिए। रेडी हो गई है चने चाट। अब इसे एक बाउल में सर्व कर लीजिए। अब इसे सर्विंग बाउल में लीजिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज को डालते हैं। फिनिश हो गया चना चाट। ये चना चाट बहुत हेल्दी है और टेस्टी भी रहेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और आपके फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को शेयर करिए। बाय फ्रेंड्स।